हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री ज्ञान चैनल। आवर टुडेज टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फ्रॉम ग्रेड 12 एंड द सब टॉपिक इज आइसोमेरिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस व्हाट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म द फिनोमेना इन विच द मॉलिक्यूल्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज नोन एज आइसोमेरिज्म और उनसे बनकर आते हैं आइसोमर्स। In coordination compounds, isomerism is categorized in two types, structural and stereoisomerism. Our today's main topic is that how to find out number of optical isomers for tetrahedral complex and for octahedral complex. So there are some tricks to find out those isomers. Structural isomers is further categorized into ionization, hydrate, coordination and linkage isomerism. Stereo isomerism is further categorized into geometrical and optical isomer. Our today's main topic is how to find out number of geometrical and optical isomers. Like geometrical isomerism, first for tetrahedral complex is A, B, C, D. The bond angle is 109 degree 28 minute. No geometrical isomerism. ठीक है कि कहीं पर भी आप मिरर इमेज को दूसरी तरह से नहीं बना सकते। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए बात करूंगी MA3B, तीन चांसेस हैं, MA3B, MA2B2 कॉम्प्लेक्स हो सकता है या MABCD कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसके अंदर नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब इस काम के लिए अगर मैं इस तरह से डिटेल स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो मुझे बहुत टाइम लगता है, तो उसी के लिए मैं ट्रिक बताने जा रही हूँ। MA2B2, तो आप सबसे पहले कॉम्बिनेशंस लिखेंगे। A2B2 का क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? ABAB या AABB। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हैं? दो, राइट, सिस एंड ट्रांस। अगर मैं बात करती हूँ MABCD, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि कॉम्बिनेशंस लिखेंगे कि ABCD का क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। ABCD हो सकता है या AD और BC हो सकता है या AC और BD हो सकता है। अगर मैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करती हूँ तो कितनी पॉसिबिलिटी आती है? तीन पॉसिबिलिटी आती है। तो देयर आर थ्री ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर दिस कॉम्प्लेक्स MABCD, मतलब चारों कॉम्पोनेंट्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर की उसके कॉम्बिनेशन बना के देखिए कि कितने कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। अब आते हैं हम ऑप्टिकल। अगर एग्जाम में दोनों पूछे गए हैं कि दैट फाइंड आउट ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो अगर मैं ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसो, इफ यू पास द प्लेन पोलराइज लाइट थ्रू निकल प्रिज्म, इफ द रोटेशन इज ऑब्जर्व देन द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। दो तरह का है, राइट और लेफ्ट। अगर राइट रोटेशन हो रहा है देन इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड इफ द रोटेशन इज लेफ्ट देन इट इज लीवो रोटेटरी। फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो MA4 आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाती हूँ तो आप क्या देखेंगे कि कुछ भी अलग नहीं है, मतलब सुपर इम्पोज हो रहा है, सेम रहेगा क्योंकि चारों कॉम्पोनेंट सेम है। अगर मैं बात करती हूँ MABCD, तो आप देखेंगे कि A यहाँ, D घूम जाएगा और B यहाँ आ जाएगा, D, B और बीच में रहेगा C, सो दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। नाउ द ट्रिक इज दैट हाउ टू फाइंड आउट दैट इफ द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल और नॉट। सो मिरर इमेजेस शुड नॉट बी सुपर इम्पोजिबल फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर आपको देखना है कि उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी है या नहीं है तो द मिरर इमेजेस शुड नॉट बी सुपर इम्पोजिबल, एक दूसरे को ढकनी नहीं चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि मिरर इमेज जो है वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेंगी, जबकि यहाँ पे करेंगी। तो यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी, नो ऑप्टिकल एक्टिविटी, बट इन दिस केस ऑप्टिकल एक्टिविटी विल बी ऑब्जर्व। दिस इज फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सो द ट्रिक दैट वी हैव लर्नड इज मिरर इमेजेस शुड नॉट बी सुपर इम्पोजिबल सो फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। नाउ फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जब आपने देखा कि छह कॉम्पोनेंट्स आ गए, वी आर डिस्कसिंग अबाउट फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। छह कॉम्पोनेंट्स हैं तो छह पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। सबसे पहली है MA6,
ए ए ए ए ए ए तीन तरह का बनाया हमने, राइट यही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. सो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर. मैंने कैसे कह दिया ये बात, तो अब ट्रिक स्टार पॉइंट. इफ एनी पेयर हैज सेम लिगेंड्स, किसी के अंदर कॉम्बिनेशन के अंदर ए ए आ रहा है या बी बी आ रहा है, या फिर दो पेयर सेम है, ए बी दो हो गए सेम है, देन द कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. अब एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे एम ए फाइव बी, ठीक है, ए ए ए ए ए बी, ये कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, राइट. तो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्योंकि इसके अंदर ए ए सेम आ गया लिगेंड, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव. एम ए फोर बी टू, कॉम्बिनेशंस बनाइए ए ए ए ए बी बी, ए ए ए बी ए बी, ये दो कॉम्बिनेशंस बने. तो अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर का काउंट निकालती हूँ तो वो निकलता है दो, दो दिखाई दे रहे हैं कॉम्बिनेशंस, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी क्योंकि दोनों लिगेंड सेम सेम वाले पेयर आ गया. तो ऑप्टिकल एक्टिविटी, नो ऑप्टिकल एक्टिविटी. एम ए थ्री बी टू सी, अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो आपने देखा कि तीन कॉम्बिनेशंस बन के आते हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नंबर हो गया तीन, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी इसमें भी नहीं होगी. ए ए गलत, ए ए इसमें भी नहीं, इसमें ए बी दो आ गए, तो इसके अंदर भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी. नेक्स्ट इज एम ए थ्री बी थ्री, ए ए ए बी बी बी, आपने देखा कि दो कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स टू, लेकिन द कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. अब आती है कहानी एम ए थ्री बी सी डी. तो हमने कॉम्बिनेशंस जब बना के देखे तो चार कॉम्बिनेशन आते हैं, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होते हैं, चार, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी देखेंगे, इसके अंदर कैंसिल, इसके अंदर कैंसिल, इसके अंदर भी कैंसिल, लेकिन इसके अंदर कोई भी चीज़ सेम नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी हो सकती है. एंड देर आर टू फॉर्म्स डी एंड एल. डी इज द डेक्सरोटेटरी इन विच द रोटेशन इज ऑब्जर्व ऑन राइट हैंड साइड, एंड एल इज द लीवो रोटेटरी वेन द रोटेशन इज ऑब्जर्व ऑन लेफ्ट हैंड साइड. तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो गए, दो, और इनएक्टिव कितने हो गए, तीन. सो टोटल फाइव स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल. Now your task is you have to find out number of optical active and inactive isomers for this compound. You can comment in my video. So if you find this video helpful, please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching.